Hello student, welcome to Education Friendly. My name is Pratibha Singh and I am going to teach you C language. Last lecture में हमने program पढ़ा था. Program के दो phase होते हैं. First phase होता है problem solving and second phase होता है हमारा implementation. प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी एल्गोरिदम्स आती हैं, फ्लो चार्ट्स आते हैं. इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में हमारी कोडिंग आती है. तो हम जान लेते हैं, आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जानेंगे. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एल्गोरिदम्स क्या होती हैं. एल्गोरिदम हमारी स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रोग्राम का, जो कि हमें ये बताता है कि कैसे सारी चीजें लिखनी है और कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है. ठीक है, एल्गोरिदम की पांच प्रॉपर्टीज होती हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इनपुट जनरेट करने की. सेकंड प्रॉपर्टी होती है डिजायर्ड आउटपुट आए. थर्ड प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं हम फाइनाइटनेस. हम सारे सीक्वेंस को n नंबर में तोड़ देते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं फाइनाइटनेस. फोर्थ होती है हमारी डेफिनाइटनेस. इसका मतलब होता है कि जितने भी स्टेप हैं वो क्लीन होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और प्रिसाइज होने चाहिए. एंड फिफ्थ वन होती है हमारी इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस मतलब कि हम मतलब एल्गोरिदम इस तरीके से लिखें कि उसको हम डायरेक्ट कोड में इंप्लीमेंट कर सकें. ठीक है, तो ये पांच प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे एल्गोरिदम की. अब हम एल्गोरिदम का एक एग्जांपल देखेंगे. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं एल्गोरिदम का. एक एल्गोरिदम हम लिखेंगे वैल्यू को ऐड करने के लिए, मतलब उनकी सम करने के लिए. तो स्टार्ट करते हैं हम. पहला स्टेप होगा हमारा स्टार्ट. सेकेंड स्टेप होगा हमारा इनपुट लेंगे हम लोग. इनपुट थ्री नंबर्स ए बी सी. ठीक है, ये तीन नंबर का हम इनपुट लेंगे. स्टेप थ्री. स्टेप थ्री क्या है? कंप्यूट कंप्यूट सम. सो सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. स्टेप फोर, हमने सम को कंप्यूट किया तो हम सम को प्रिंट करेंगे. प्रिंट सम. एंड फाइनल स्टेप, हमने इनपुट ले लिया, सम को कंप्यूट कर लिया, सम को प्रिंट कर लिया एंड देन स्टॉप. ऐसे हम एक बेसिक एल्गोरिदम लिखते हैं और ये हमारी पांचों प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रही है. हमारे पास इनपुट है, हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है, नीट एंड क्लीन है, एन नंबर्स में ब्रेकेज है और इसको हम डायरेक्ट प्रोग्राम में इंप्लीमेंट. अब हमने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेकंड पार्ट पढ़ा था वो था हमारा फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्या होता है हमारा? फ्लो चार्ट हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एल्गोरिदम का. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम टू फ्लो चार्ट जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो इसलिए इसमें कई सारे सिंबल्स यूज होते हैं. तो वो सिंबल्स कैसे होते हैं? फर्स्ट वन, हाँ, सिंबल्स. फर्स्ट वन हमारा होता है टर्मिनेटर. टर्मिनेटर हमारा रिप्रेजेंट होता है ओवल शेप से. ये किसी भी फ्लो चार्ट का स्टार्ट और स्टॉप इसको डिस्क्राइब करता है. मतलब जहां भी स्टार्ट होगा वहां ओवल होगा, जहां भी स्टॉप होगा वहां ओवल होगा. सेकेंड वन इनपुट और आउटपुट. इनपुट आउटपुट के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम. ठीक है, ए
इनपुट और आउटपुट सारे हम इसी में लिखते हैं। थर्ड वन है हमारा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का पार्ट जो है वो हमारा बॉक्स से डिनोट होता है। इसमें हमारे सारे मैथमेटिकल और अर्थमेटिकल ऑपरेशंस जितने भी होते हैं वो सारे हमारे प्रोसेसिंग पोर्शन में आते हैं। ठीक है, एंड हमारा फोर्थ वन है डिसीजन। डिसीजन जो है वो हमारा डायमंड शेप से रिप्रेजेंट होता है। ये जितनी इफ एल्स वाली कंडीशन होती है, ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन होती है, ये सारी डिसीजन के अंदर लिखी जाती है। जितनी भी कंडीशन चेकिंग होती है वो हमारी डिसीजन के अंदर होती है। ठीक है, फिफ्थ वन है हमारा फ्लो लाइन। फ्लो लाइन हमारी डायरेक्शन बताती है और सीक्वेंस बताती है कि कैसे कैसे नेक्स्ट स्टेप कौन कौन सा है। फ्लो लाइन। सिक्स्थ वन है हमारा कनेक्टर। कनेक्टर हमारे क्या होते हैं, जब हम कई सारे एक साथ कई सारे सीक्वेंस चल रहे होते हैं तो उसको साथ में कंबाइन कर पाना मुश्किल होता है, वहां पे कनेक्टर यूज होता है। ये सर्कल से डिनोट होता है, जैसे कई सारे प्रोसेस चल रहे हैं वहां पे हम कनेक्टर यूज करेंगे उन सबको कंबाइन करने के लिए। ठीक है, तो हमारा हो गया टर्मिनल, इनपुट आउटपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन, फ्लो लाइन, कनेक्टर। ठीक है, अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लो चार्ट का। अभी हमने जो एल्गोरिथम लिखी थी उसी एल्गोरिथम का एग्जाम्पल जो है वो हम लोग लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले एल्गोरिथम में क्या था, स्टार्ट था, तो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमने इनपुट लिया था, तो इनपुट के लिए हम पैरेललोग्राम इनपुट ए बी एंड सी। ठीक है, इसके बाद प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए बॉक्स, तो सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एंड देन आउटपुट। आउटपुट के लिए फिर से मैंने लो मैम प्रिंट सम एंड लास्ट में स्टॉप। ये हमारा एक बेसिक फ्लो चार्ट हो गया। ऐसे ही हम मतलब इसका ही एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देन हम बात करते हैं ऑपरेशंस के। जो हमारे फ्लो चार्ट होते हैं उसके तीन तरीके के उसके ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट वन है हमारा सीक्वेंशियल, सेकेंड वन है हमारा कंडीशनल, एंड थर्ड वन इज आइटरेटिव। सीक्वेंशियल क्या होता है, सीक्वेंशन में सारे प्रोसेस एक सीक्वेंस में रहते हैं, कोई भी ब्रेकेज नहीं होता, एक के बाद एक सारे सीक्वेंस हो रहे हैं। देखिए ये एग्जांपल है, इसमें सारी चीजें एक स्टेप के बाद दूसरे एग्जांपल हो रहे हैं, ये सीक्वेंशन का ही एक एग्जांपल है। नेक्स्ट वन है हमारा कंडीशन। कंडीशन में हमारा क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, बीच में वो सारे स्टेप है कंडीशन के हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास दो नंबर है ए और बी और इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है, तो वहां पे हम कंडीशनल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया स्टार्ट, देन नेक्स्ट हमने इनपुट लिया इनपुट ए और बी, देन नेक्स्ट नेक्स्ट हमको चेक करनी है कंडीशन। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी। अब यहां से दो कंडीशन, अगर ये होता है यस तो ये प्रिंट होगा, एंड होता है नो तो यहां पे प्रिंट होगा बी। आउटपुट है तो ये याद रखिएगा, आउटपुट है क्या रखिएगा, पैरेललोग्राम यूज होगा, बी इज ग्रेटर एंड हियर इज ए इज ग्रेटर। ठीक है, कंडीशन चेक हुई तो कंडीशन यस है तो बी इज बेटर, अदरवाइज नो। अब यहां देखिए दो कंडीशन यहां पे चेक हो रही है ना, सीक्वेंस में नहीं जा रहा इसलिए कंडीशनल है। अब इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे हम
कनेक्टर के थ्रू फिर से एंड देन हमारा ओवन एंड स्टोव, ये हमारा कंडीशनल का फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट है हमारा आइटरेटिव। आइटरेटिव में क्या होता है, जहां भी हमारी लूपिंग या फिर एक ही कंडीशन को बार बार यूज करने का काम होता है वहां पे हम आइटरेटिव यूज करते हैं। मतलब एक ही फंक्शन बार बार यूज हो रहा है, एक ही ऑपरेशन बार बार परफॉर्म हो रहा है, वहां आइटरेटिव यूज होता है। इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने किया स्टार्ट अगेन, ठीक है, इनपुट आई इक्वल टू वन, ठीक है। देन नेक्स्ट में कंडीशन आई इज लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू एंड फॉल्स का है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये क्या होगा, यहाँ एक प्रोसेस परफॉर्म होगा आई इक्वल टू आई प्लस वन, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स स्टॉप टर्मिनेट जाएगा, तो टर्मिनेटर लग जाएगा। अब ये वापस से इसको अगेन एंड अगेन परफॉर्म होना है जब तक कि कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। तो ऐसे जो होते हैं वो आइटरेटिव ऑपरेशंस होते हैं, उसके प्रोसेस ऐसे बनते हैं। देखिए आई की वैल्यू यहाँ पे वन थी, कंडीशन चेक हुई, ठीक है, कंडीशन फुलफिल हुई, यहाँ पे वैल्यू टू हो गई, फिर से ये होगी तब तक कंडीशन चलेगी जब तक की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये बाहर निकल जाएगा, स्टॉप हो जाएगा ये प्रोसेस। तो ये आइटरेटिव का एक एग्जांपल है। इस तरीके से इतने तरीके के फ्लोचार्ट होते हैं, ऐसे फ्लोचार्ट बनते हैं, ऐसे एल्गोरिथम्स लिखी जाती हैं, ठीक है। अब हमने जो आज के लेक्चर में पढ़ा है उससे कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेटिवली हर साल पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, पहला क्वेश्चन, ये जो शेप है इसको हम, इस सिंबल को हम कौन सा सिंबल कहते हैं। ऑप्शंस दे देती हूं मैं, इनपुट आउटपुट, ठीक है, सेकंड कनेक्टर, ठीक है, थर्ड वन टर्मिनल एंड फोर्थ डिसीजन। तो ये हमारा टर्मिनल है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू एल्गोरिथम्स की प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम कितने टाइप की होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गो कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, 4, 7, 9 और 5, 4। तो एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज कितनी होती हैं, 5 प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अगर हमारे पास कौन सा ऐसा सिंबल है जो कि एक से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो हम आपको क्वेश्चन देते हैं इसका भी, बॉक्स दैट परफॉर्म्स मोर देन वन ऑपरेशन। तो इसका ए लिख लीजिए आप, टर्मिनल, ठीक है, बी लिख लीजिए कनेक्टर, थर्ड वन इज सी डिसीजन एंड फोर्थ इज फ्लो लाइन। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऐसा परफॉर्म है जो एक से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कौन सा ऐसा बॉक्स है, तो वो है हमारा डिसीजन, क्योंकि उसमें दो कंडीशन, दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, या तो यस या तो नो, या तो इफ या तो एल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेते हैं। अगर वो प्रोसेस जिससे हम एक एल्गो को अप्रोसेस फ्रॉम विच एल्गो कन्वर्ट इनटू फ्लो चार्ट
नोन एज। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिससे एल्गो हमारी जो है वो फ्लो चार्ट में कन्वर्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं फ्लो चार्टिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लो चार्टिंग। ठीक है, ये चार क्वेश्चन आज के लिए काफी हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।